हत्या के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस का तो ये कहना है कि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, तब तक कुछ भी बताना मुश्किल है। लेकिन इस घटना के परिणाम क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी, बिल्कुल, इससे पहले क्योंकि अजय सलमान, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पुलिस इस वक्त कह रही है कि जांच हम कर रहे हैं, तो उसका इस वक्त क्या कुछ पुलिस का कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाज़ार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे, तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो बाइक सवारों ने यहाँ पर जेडीयू नेता को